प्रॉफिट लॉस का यह सवाल इसी साल सीजीएल मेंस में पूछा गया है। कह रहा है, एक व्यक्ति एक कंप्यूटर और एक मोबाइल खरीदा। उसने कंप्यूटर को 15% के लाभ पर और मोबाइल को 10% के हानि पर बेचा। इस प्रकार पूरे सौदे पर उसे 5% का लाभ हुआ। यदि मोबाइल का क्रय मूल्य 20,000 रुपया है तो कंप्यूटर का क्रय मूल्य क्या होगा? यह सवाल तो प्रॉफिट लॉस का है, लेकिन इसको एलिगेशन मेथड से बहुत आसानी से सेकेंडों में किया जा सकता है। और इस वीडियो में हम स्पेशल इसी टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सेकेंडों में किया जा सकता है। और अगर आप हर टाइप के क्वेश्चन के लिए ऐसे ही अलग अलग सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम हर टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक आसान सवाल से, फिर इस सवाल के ऊपर आएंगे। पहला सवाल है, एक व्यापारी 50 किलोग्राम अनाज का कुछ भाग 8% के लाभ पर और कुछ भाग 18% के लाभ पर बेचा। यदि उसका औसत लाभ 14% है तो उसने 18% लाभ पर कितना अनाज बेचा? तो अगर हम इसमें एलिगेशन लगा दें तो अनाज के दोनों भाग का रेशियो पता चल जाएगा। और एलिगेशन कैसे लगाएंगे? तो देखिए, अनाज का कुछ भाग जो है उसको बेचा है 8% के लाभ पर, तो 8 को यहाँ पर लिखेंगे, और बाकी जो बचा हुआ भाग है उसको बेचा है 18% के लाभ पर, तो 18 को यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन दोनों मिला करके उसको जो फाइनली लाभ हुआ है वो है 14% का, तो 14 को यहाँ पर लिखेंगे और इसको क्रॉस में माइनस करेंगे। यह है एलिगेशन का रूल। तो देखिए, 18 में 14 को माइनस करेंगे तो 4 होगा, और 14 में 8 को माइनस करेंगे तो 6 होगा। तो अनाज को जो दो भागों में बांटा है वो यही अनुपात में बांटा है, 4:6 के अनुपात में, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2:3। अब देखिए, टोटल अनाज दिया हुआ है, टोटल कितना है 50 kg। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना हो रहा है, 2 और 3 5, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू है 50 kg, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10 kg। तो कह रहा है कि 18% लाभ पर कितना बेचा, यानी कि इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30 kg, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर पूछता कि 8% के लाभ पर कितना बेचा तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालते तो ये हो जाता 20 kg। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ चावल को 8% के लाभ पर और कुछ चावल को 24% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल 18% का लाभ हुआ। यदि 24% लाभ पर बेचने वाला चावल 30 क्विंटल है तो 8% लाभ पर बेचने वाला चावल कितना है? ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी इसके पहले बताएं, इसलिए इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक कंप्यूटर और एक मोबाइल खरीदा। उसने कंप्यूटर को 15% के लाभ पर और मोबाइल को 10% के हानि पर बेचा। इस प्रकार पूरे सौदे पर उसे 5% का लाभ हुआ। यदि मोबाइल का क्रय मूल्य 20,000 रुपया है तो कंप्यूटर का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पर एक को लाभ पर बेचा और दूसरे को हानि पर बेचा है, तो देखिए कैसे इसमें एलिगेशन लगाएंगे। कंप्यूटर को बेचा है 15% के लाभ पर तो 15 को लिखेंगे प्लस में, और मोबाइल को बेचा है 10% के हानि पर तो 10 को लिखेंगे माइनस में, और कह रहा है कि फाइनली उसे 5% का लाभ हुआ है तो प्लस में 5 यहाँ पर लिखेंगे और इसमें क्रॉस में माइनस करके एलिगेशन लगाएंगे। तो देखिए 15 में जब 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देखिए प्लस 5 में माइनस 10 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? देखिए प्लस 5 और इसमें माइनस करेंगे माइनस 10 को, है ना, बड़ा में से छोटा को माइनस करना है, तो देखिए प्लस 5 बड़ा होगा और ये छोटा होगा, है ना, तो प्लस 5 में माइनस 10 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 10 यानी कि ये हो जाएगा 15, तो 15 को यहाँ पर लिखेंगे, तो यही हो जाएगा कंप्यूटर और मोबाइल के क्रय मूल्य का रेशियो। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3:2। अब कह रहा है कि मोबाइल का जो क्रय मूल्य है वो है 20,000 रुपया, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 यूनिट का। तो अगर 2 यूनिट का वैल्यू 20,000 दिया हुआ है तो यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि इसका वैल्यू पूछ रहा है 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 30,000, है ना, तो 30,000 यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 7200 रुपये में खरीदा। उसने एक वस्तु को 16% के लाभ पर और दूसरे को 20% के हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे ना लाभ हुआ ना हानि, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर भी एलिगेशन लगाएंगे। पहला वस्तु को बेचा है 16% के लाभ पर तो 16 को लिखेंगे प्लस में, और दूसरा को 20% के हानि पर बेचा है तो 20 को लिखेंगे माइनस में, और फाइनली उसे ना लाभ हुआ ना हानि, यानी कि कह सकते हैं कि 0% का उसको लाभ हुआ, है ना। तो यहाँ पर जब एलिगेशन लगाएंगे तो देखिए 16 में 0 को माइनस करेंगे तो 16 होगा, और यहाँ पर देखिए माइनस 20 से बड़ा है 0, है ना, तो माइनस 20 से 0 बड़ा है तो 0 में माइनस करेंगे माइनस 20 को, तो 0 में जब माइनस करेंगे माइनस 20 को तो ये देखिए हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा, है ना, तो प्लस का 20 यहाँ पर लिखेंगे। तो दोनों प्रकार का जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य का अनुपात ये हो जाएगा 20:16, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5:4।
आप कह रहा है कि दोनों वस्तु का जो टोटल क्रय मूल्य है वो है 7200 रुपया, यानी कि 5 और 4 9 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए 9 यूनिट का वैल्यू अगर 7200 रुपया दिया हुआ है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 रुपया, है ना। ये 8 बार में कट जाएगा, 800 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 800। अब कह रहा है कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8×5=40, यानी कि 4000 रुपया। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर आप ऐसे ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। थैंक यू।